फ्री सब्सक्राइब कीजिए जवाबी बाबा चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, रोज पाएं ऑसम नॉलेज वीडियोस। पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है, इसको P2P भी बोलते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या होता है, ये टर्म क्या है P2P, पीयर टू पीयर नेटवर्क, इसका मतलब क्या है, इसका यूज क्या है। छोटे से 3-4 मिनट के वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी, देखते रहिए इस वीडियो को आगे। मेरा नाम है हुसैन, आप देख रहे हैं जवाबी बाबा चैनल। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पीयर टू पीयर नेटवर्क, इसका मतलब समझने से पहले पीयर टू पीयर, पीयर पीयर का मतलब क्या होता है। सिंपल इंग्लिश वर्ड पीयर का मतलब होता है आपके बराबर का कोई व्यक्ति, कोई इंसान किसी पर्टिकुलर प्लेस पे। अगर हम ऑफिस में होते हम बोलते हैं तो हम ऑफिस पीयर्स बोलते हैं। तो मेरा ऑफिस पीयर मतलब मेरे ही बराबर का, सेम पोजीशन का बंदा, कोई सीनियर हो गया तो सीनियर हो गया, कोई जूनियर हो गया तो जूनियर हो गया। पीयर वर्ड जो हम यूज़ करते हैं वो तब यूज़ करते हैं जब एक पर्टिकुलर पोजीशन में, चाहे सोसाइटी में, चाहे ऑफिस में, जिस बिजनेस में हम काम करते हैं, हमारे कलीग्स अगर कोई सेम पोजीशन पर है तो उसको पीयर बोलते हैं, मतलब कि सारे के सारे बराबर। पीयर टू पीयर आसान है कि पीयर टू पीयर नेटवर्क यानी कि सारे के सारे डिवाइस, जब ये कंप्यूटर वर्ल्ड में अगर ये पीयर टू पीयर वर्ड का यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब ऐसा ये हो गया कि पीयर टू पीयर नेटवर्क यानी कि सेम प्रिविलेजेस जिन सब कंप्यूटर्स के पास हैं, सब डिवाइसेस के पास हैं, उन सिस्टम्स के बीच में एक नेटवर्क। इसको बहुत छोटा अगर मैं एग्जांपल दूं, आपने 4 कंप्यूटर USB से जोड़ रखे हैं तो वो भी एक पीयर टू पीयर कनेक्शन है। जब वो USB से जुड़े हुए हैं या किसी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं तो उसमें सबसे बड़ा पर्पस क्या सर्व हो रहा है या सबसे बड़ी वजह क्या है उनको जोड़ने की। ऑब्वियसली आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट यूजेज, इंटरनेट बैंडविड्थ, हार्ड डिस्क यूजेज, प्रोसेसर यूजेज, ये सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं आप उन सारे के सारे डिवाइसेज में, पीयर टू पीयर डिवाइसेज में कॉमनली यूज़ कर रहे हो, तो शेयर कर रहे हो रिसोर्सेज। पीयर टू पीयर कंप्यूटर कनेक्टेड है, सबसे बड़ा यूज़ क्या है, फाइल ट्रांसफ़र, फाइल शेयरिंग, इसका सबसे बड़ा यूज़ होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क टेक्नोलॉजी में। तो ये होता है पीयर टू पीयर। अगर मैं उसको एक एग्जांपल दूँ, पांडव वो क्या है, ब्रदर्स हैं, उनको पीयर्स मान लो, पीयर्स, उनका एक कॉमन रिसोर्स क्या हो गया, द्रौपदी, सबको बराबरी से बांट रहे हैं, द्रौपदी सबके लिए बराबर है, किसी के लिए ज़्यादा नहीं, किसी के लिए कम नहीं, तो एक ये रिसोर्स है जो वो सारे पीयर्स एक साथ शेयर कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही समझ लो कि बहुत सारे कंप्यूटर जो कि नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, पीयर टू पीयर नेटवर्क है, ये USB के द्वारा जुड़े हो सकते हैं। अगर थोड़ा बड़ा हो जाए, किसी स्मॉल बिजनेस में आप चले जाएं, किसी छोटे ऑफिस में जाएं जहाँ पे 20-50 कंप्यूटर से कोई कंपनी चल रही है, तो वो एक पीयर टू पीयर नेटवर्क में काम कर रहे हो सकते हैं, जहाँ पर कॉपर वायर से वो सबके सब हार्ड वायर्ड हैं, एक अपना पीयर टू पीयर नेटवर्क बना रखा है, और जितनी भी फाइल में ऑफिस ट्रांजैक्शंस होते हैं, फाइल शेयरिंग होती है, वो उस पीयर टू पीयर नेटवर्क में होती है। ये एक इसका बहुत अच्छा यूज़ केस है। तो इससे आपको समझ में आ सकता है कि भाई पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी क्या है और इसका क्या मोटा मोटा यूज़ है। तो कुल मिला के आसान भाषा में पीयर टू पीयर नेटवर्क का मतलब हो गया साथी हाथ बटाना, सारे के सारे एक बराबर के साथी, उनका एक कॉमन यूज़ हो रहा है, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए उनको सेम नेटवर्क में, सेम कनेक्शन में जोड़ा गया है ताकि एक पर्टिकुलर पर्पस उनसे सॉल्व हो पाए। अगर बाय बुक इसकी डेफिनेशन पर जाएं तो आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर, द प्राइमरी पर्पस ऑफ पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी और पीयर टू पीयर नेटवर्क और P2P नेटवर्क इज टू यूज द सेम डिवाइसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन मोस्ट ऑफ द केसेस सेम सिस्टम्स, सेम कंप्यूटर्स, टू अचीव अ कॉमन पर्टिकुलर पर्पस एंड शेयर ऑल द रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज कैन बी डेटा बैंडविड्थ, द रिसोर्सेज कैन बी द प्रोसेसर यूजेज, इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो अ रिसोर्स, सो टू शेयर ऑल द रिसोर्सेज एंड टू अचीव अ कॉमन पर्पस, ये है इसकी बुक डेफिनेशन। तो दोस्तों, ये थी पीयर टू पीयर नेटवर्किंग के बारे में छोटी सी जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इस तरीके के क्यों, क्या, कैसे वाले वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर बनाता रहता हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।